हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कैनवा को यूज़ करते हुए यूट्यूब बैनर कैसे किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छे अच्छे टैम्पलेट्स आपको दिखाऊंगा। गाइस, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और कमेंट्स में आपके जो सवाल होंगे वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम इनका आंसर ज़रूर देंगे आपको। तो सबसे पहले आपने कैनवा को ओपन कर लेना है और यहाँ पर फॉर यू जो जब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये फर्स्ट जो टॉपिक है इनमें ही आ जाएगा हेडिंग के तौर पर, ये यूट्यूब बैनर। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, जिस तरह के ये है। ये एक तरह से एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर हमें चीज़ें उठा उठा कर यहाँ पर लगानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर ये जो सर्च टूल बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो ये ब्राउज टैंपलेट्स यानी कि जो टैबलेट्स बनी हुई हैं वो हमारे पास बड़ी स्क्रीन पर ओपन हो जाएंगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये आपके सामने काफ़ी सारी टैबलेट्स ओपन हो गई जो कि पेड भी हैं और फ्री भी हैं। सबसे पहले ब्लैंक ब्लैंक को मतलब यानी कि वही चीज़ है कि खाली पेज होगा, उस पर हमें चीज़ें लोड करनी पड़ेंगी। ये फर्स्ट पे अगर टेक चैनल है तो ये उसके लिए ये वाला जो है बैनर ये अच्छा रहेगा। उसके बाद ये व्लॉगिंग वगैरह के लिए, ये नीचे और भी काफ़ी टैम्पलेट्स हैं। ये टैम्पलेट ये जो है पेड है, ये यूट्यूब बैनर्स के लिए हैं। ये देखें, ये एक फूड हंटर ये उसका टैम्पलेट है लेकिन ये पेड है। ये जो है ये भी पेड है, ये वाला फ्री है ये वाला टैम्पलेट। और जिस तरह आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको नए नए टैम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ से कोई ना कोई कोई एक इनमें से सेलेक्ट करेंगे टैम्पलेट, फिर मैं उसको डिज़ाइन करूँगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो अभी ज़रा ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैनर है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके अलावा कोई एक और कर लेते हैं ओपन। ये वाले दो मैंने ओपन किए हुए हैं। ये जो है ब्लैंक है, इसे मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से। अभी ये जो पहला टैम्पलेट मेरे पास ओपन है ये है व्लॉगिंग के रिलेटेड। मेरा एक व्लॉग चैनल है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी अरसे से व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो ये उसके लिए मैं भी बैनर बनाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं हानि के व्लॉग्स। तो ये मैं नीचे से टैगलाइन इसकी निकाल देता हूँ और ये से यहाँ से ये शेयर के बटन के नीचे ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसे कर रहा हूँ डिलीट। और इस टैगलाइन को भी यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसे ज़रा हल्का सा बड़ा कर देता हूँ। इसे आपने सेंटर में रखना है बिल्कुल। और इसे मैं कर रहा हूँ यहाँ से डाउनलोड। ये तो बस बेसिक सी एक एडिटिंग मैंने आपको बताई है, अभी जो दूसरे टैबलेट्स हैं वो भी मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इसे आपने ब्राउज जहाँ पर स्टोर करना है वहाँ से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ या फिर ये डाउनलोड हो ही जाए जिस तरह से मैंने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। तो ये जो नेक्स्ट टैम्पलेट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक टेक चैनल के रिलेटेड है, ये आप देखें नीचे ये मैकबुक पड़ा हुआ है, कुछ पेंसिल्स हैं, ये ग्लासेस पड़ी हुई हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद ये जो इमेज है हम इस इमेज को यहाँ से चेंज करेंगे। आपने क्या करना है कि अपनी कोई इमेज यहाँ से जाना है आपने, ये अपलोड ये टेम्पलेट सबसे ऊपर है, उसके नीचे एलिमेंट्स है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर है अपलोड का बटन, अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपलोड मीडिया और यहाँ से हम एक फाइल जो है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसे। इसका मैं पाथ यहाँ से निकाल लूँ क्या था। ये मेरी पड़ी हुई है यहाँ पर पर्सनल वाले फोल्डर में और यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये 1819 वाली। इसे हमने यहाँ से कर लिया ओपन। थोड़ी देर में ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी।
ये आपके सामने ये लेफ्ट साइड में ये ओपन हो गई। इसे अब हम इसे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जब ये देखें ये सर्कल के अंदर मेरी इमेज आ गई है, तो बस यहाँ पर जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे ये ऑटो क्रॉप होकर यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगी। अगर आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं या हल्की सी इसकी मूवमेंट करना चाहते हैं तो मैं इसे हल्का सा बड़ा बड़ा कर देता हूँ साइज का, और यहाँ पर इस तरह से मैं इसे फिक्स कर दूंगा। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नेम दूंगा जो कि हनी टेक है। यहाँ पर टैग लाइन लगा देता हूँ, कोई टैग ट्यूटोरियल्स एंड टिप्स, ये मैंने यहाँ पर ये टैग लाइन लगा दिया। इसे मैं ज़रा बड़ा कर दूँ साइज इसका, और इसे सेंटर में ले लाकर हमने यहाँ से छोड़ दिया। और नीचे ये सब्सक्राइब का बटन, इसे यहाँ से हम कर लेंगे सेव। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें, ये PNG डिफ़ॉल्ट से सिलेक्ट हुआ है तो PNG हम रहने देंगे इसे। आप JPG और भी काफ़ी सारी हैं एक्सटेंशन जिनके ज़रिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ये वाली जो हमने लास्ट पर बनाई थी, ये भी काफ़ी अच्छा बैनर लग रहा है मुझे। तो इसी तरह से पहले अपलोड्स वाले फोल्डर में जाएं जहाँ पर मैंने अपनी इमेज पहले से यहाँ पर एक डाली हुई थी। मैं लाता हूँ इसे यहाँ पर और इसे यहाँ पर, ये लगी नहीं सही से, इसे यहाँ पर इसे इस तरह से इसको हम यहाँ पर कर देंगे ऐड। इसका साइज ज़रा छोटा करें ये इस तरह से इसके अंदर आ जाएगी। एक मिनट ज़रा इसे अनडू कर दूँ एक दफ़ा, इसका साइज कर देता हूँ मैं यहाँ से बड़ा। इस तरह से आपने अपनी कोई राउंड इमेज या फिर कोई PNG फाइल अपनी बनाकर स्टिकर बनाकर वो आप यहाँ पर इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने चैनल का नेम अपना लिखना है और यहाँ पर नीचे स्लोगन या कोई भी टैग लाइन यहाँ पर आपने लिख देनी है, और नीचे सब्सक्राइब या फिर इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो इसे भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। नीचे और सब रोल डाउन करते हैं, देखते हैं कोई और टेम्पलेट अगर हमें कोई अच्छा मिल जाए तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक जो ब्यूटी सलून्स हैं या फिर जो ब्यूटी के रिलेटेड जो चैनल्स हैं ये उनके लिए ये बेस्ट रहेगा ये वाला टेम्पलेट। ये भी फ्री है, ये वाले टेम्पलेट्स पेड हैं, ये भी पेड है, ये वाला टेम्पलेट भी फ्री है बिल्कुल, और ये वाला टेम्पलेट भी फ्री है। ये सभी टेम्पलेट्स आप लोग अपने फुल साइज़ बैनर यूट्यूब के लिए जो होते हैं उनके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी आपको हमारी आज की ये वीडियो। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और अपने दोस्तों के साथ जो आपके दोस्त नए यूट्यूबर्स हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट्स में आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।